कृष्णा क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उषा। इस वीडियो में हम बीए सेकंड सेमेस्टर की पोएम ब्रेक 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 पढ़ेंगे। ये हमें टाइटल दिखाई दे रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ये पोएम लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने। किसने लिखी है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने लिखी है। और आपको पता होना चाहिए, प्रत्येक पोएम के पोएट आप तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका जो पेपर आएगा वो ऑप्शनल होगा और ऑप्शनल पेपर में तो आपका कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए किसी भी टॉपिक को आपको डीप एंड वाइड पढ़ने की ज़रूरत है, वो कैसे भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो ब्रेक ब्रेक पोएम के जो पोएट हैं वो कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन। और ये भी पता होना चाहिए आपको, ये ब्रेक ब्रेक जो पोएम है वो क्या है? एक इलेजी है। क्या है? इलेजी है। ठीक है, और वो भी क्या है? पर्सनल इलेजी है। कौन सी है? पर्सनल। जैसा कि हम जानते हैं इलेजी दो प्रकार की होती है, पर्सनल और पेस्टोरल। तो पर्सनल इलेजी क्या होती है कि अपने ही पोइट के या लिखने वाले के कोई रिलेटिव या फ्रेंड की डेथ पर लिखी जाती है, वो पर्सनल होती है। पेस्टोरल होती है जो किसी सफर्ड बॉय की डेथ पर लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं आर्थर हैलम, उनकी डेथ पर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने ये इस इलेजी को लिखा है। कौन सी इलेजी को? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, तो कौन थे उनके मित्र? पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को बना सकता है कि ये जो ब्रेक ब्रेक इलेजी है वो किसकी डेथ पर लिखी है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन ने? अपने बॉसम फ्रेंड या बेस्ट फ्रेंड की डेथ पर। कौन थे? आर्थर हैलम की डेथ पर ये इलेजी लिखी है। तो इस इलेजी को उन्होंने लिखा था, इस पोइम को उन्होंने लिखा था 1835 में, और इसको पब्लिश कराया था 1842 में इसको पब्लिश कराया था। तो यहाँ पर इस तरह आपके टाइटल से ही संबंधित कई ऑप्शनल क्वेश्चन बन जाते हैं। एक तो ये ब्रेक 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 है, ये क्या है? एक इलेजी है, वो भी कैसी इलेजी है? पर्सनल इलेजी है। इसके पोइट कौन है? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन है। और ये इलेजी किसकी डेथ पर लिखी गई है? ये इलेजी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिशन के बेस्ट फ्रेंड आर्थर हैलम की डेथ पर उन्होंने इसको लिखा था। और ये कब लिखी थी? 1835 में लिखी थी, और पब्लिश कब हुई थी? 1842 में पब्लिश हुई थी। यहाँ पर आपके तीन चार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें ये टाइटल दिखाई दे रहा है, ब्रेक ब्रेक ब्रेक। ठीक है, अब यहाँ ब्रेक 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 मीन्स होता है टूटना या तोड़ना। ब्रेक ब्रेक, अब टूटना, अब किस चीज़ के टूटने की बात कर रहा है पोइट यहाँ पर? जैसा कि ये जो टाइटल है अब वही फर्स्ट लाइन है, ब्रेक ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि किसके टूटने की बात कर रहा है पोइट। पोइट आर्थर हैलम की डेथ के बाद बहुत सैड हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं। तो बहुत दुखी होने के कारण तो वो थोड़ा सा खुश, अपने मन को थोड़ा सा शांत करना चाहते हैं, तो वे एक समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, सी शोर पर बैठे हुए हैं। तो वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखकर शायद उनके मन में कुछ थोड़ा सा खुशी आ जाए, ऐसा उनको लगता है। लेकिन वहाँ के एटमॉस्फेयर को देखते हैं तो वहाँ वो देखते हैं तीन चीज़ों को देखते हैं मेनली। आप इस बात को ध्यान रखेंगे, मैं आपको बता देती हूँ इस इलेजी में क्या है कि पोएट सी शोर के कहाँ बैठा है? सी शोर पर बैठा है, समुद्र के किनारे बैठा हुआ है। तो फर्स्ट तो वो क्या देखता है? समुद्र की जो वेव्स हैं उनको राइज एंड फॉल होते हुए देखता है, मतलब समुद्र की जो लहरें उनको उठता हुआ और गिरता हुआ देखता है। और वो समुद्र की लहरें कहाँ टकरा रही हैं? पत्थरों पर टकरा रही हैं, जो ग्रे कलर के पत्थर पड़े हुए हैं। ठीक है, और दूसरा वो क्या देखता है? एक फिशरमैन का बॉय होता है। एक चीज़ तो ये देखा, दूसरी चीज़ क्या देखी? एक फिशरमैन का एक लड़का होता है, बॉय होता है, वो अपनी सिस्टर के साथ वहाँ खेल रहा होता है, फिशिंग कर रहा होता है, उसको देखता है। तो उसको लगता है ये सब खुश हैं, देखो ये फिशरमैन का लड़का कितना खुश है। और तीसरा वो देखता है एक बॉटमैन होता है, उसका लैड लड़का, नाविक का लड़का होता है, वो अपनी नाव में मस्त गा रहा होता है। तो वो देखता है कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, अपने आप में नेचर को देखकर वो देखता है कि सब खुश हैं। लेकिन चलो अब पोइम को पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो देखेंगे, देखो ब्रेक ब्रेक ब्रेक। अब यहाँ ओ सी किसको संबोधित कर रहा है पोइट? समुद्र को संबोधित कर रहा है। अरे समुद्र तुम करो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, तोड़कर बिखेर दो, तोड़कर बिखेर दो या तोड़ दो या तोड़ दो, ठीक है, किसको? अपनी लहरों को, ठीक है। ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, ठीक है, इन दो पंक्तियों को पहले देखेंगे। तो ब्रेक ब्रेक ब्रेक, अपनी लहरों को तोड़ दो, तोड़कर बिखेर दो, अरे समुद्र कहाँ पर? ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स, किस पर? ऑन मीस पर, दाई मीस तुम, कोल्ड मीस ठंडे, ग्रे मीस गिले, ग्रे कलर के स्टोन्स मीस पत्थरों पर। तो अरे समुद्र ओ शी, तुम क्या करो, अपनी जो लहरें हैं तुम्हारी, उनको जो समुद्र के किनारे कोल्ड ग्रे कलर के क्या पड़े हुए हैं, स्टोन्स पड़े हुए हैं, उन पर टकरा कर अपनी लहरों को क्या कर रहे हो तुम? तोड़ रहे हो, ठीक है, तोड़ दो, ठीक है। एंड आई वुड, ये टू लाइन्स क्लियर हो गई, देखेंगे। एंड आई वुड दैट मे टंग कुड अटर द थॉट्स दैट अराइज इन मी, ओ बेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय। अब देखेंगे यहाँ से एंड आई वुड, वुड वैसे तो आपने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया होगा वुड का, लेकिन यह वुड का सेंस बिस से है, इच्छा से है। दैट के माई टंग, मेरी जीभ, मेरी जुबान कुड अटर बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरी जुबान भी कुछ बोले, अटर मीन्स कहना या बोलना, ठीक है, बोले, क्या बोले, कुछ कहे, मेरी जुबान भी, मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ बोलूँ, पोइट कहता है। लेकिन द थॉट्स, क्या बोले, द थॉट्स जो विचार, दैट जो अराइज उठ रहे हैं इन मी, मेरे अंदर, मेरे अंदर जो विचार उठ रहे हैं, मैं भी उनको बोलूं, मैं भी उनको कहूं, मैं ये चाहता हूं। लेकिन पोइट क्या कर रहा है कि इतना दुखी है अपने मित्र की डेथ पर, वो उसकी क्या नहीं है, जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है। ओ बेल फॉर द फिशरमैन बॉय, ओ अरे बेल, कितना अच्छा है, फॉर मीस के लिए, फिशरमैन बॉय, फिशरमैन बॉय, मछुआरे के लड़के के लिए ये सब कितना अच्छा है। और क्यों अच्छा है, नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे। हाँ तो वो क्या कह रहा है, पीछे पंक्ति हमने पढ़ी थी, ओ बेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, तो वो उस फिशरमैन जो मछुआरे का लड़का है उसके लिए सब कितना अच्छा है। दैट कि ही साउंड्स विद हिज सिस्टर एट प्ले, ओ बेल फॉर द सेलर्स लैड, दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। अब किसके ही किसके लिए आया है, वो फिशरमैन का जो बॉय है, ठीक है। दैट ही साउंड्स, वो चिल्लाता है, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एट प्ले, खेलते हुए, मतलब वह मछुआरे का लड़का कितना अच्छा है, मतलब उसके लिए ये सब कितना अच्छा है। जैसे हमारी लाइन है बेल फॉर, मतलब अच्छा है, क्या सब अच्छा है, यहाँ का जो एटमॉस्फियर है, प्रकृति की जो सुंदरता है, वो सब उसके लिए, उस मछुआरे के लड़के के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि ही साउंड्स, वो चिल्ला रहा है, विद हिज सिस्टर, अपनी बहन के साथ, एट प्ले, खेलते हुए। मतलब पोइट ये कह रहा है ये लड़का कितना खुश है, अपनी बहन के साथ खेल रहा है और चिल्ला रहा है, लेकिन मैं सब कुछ क्यों नहीं कह पा रहा, मैं अंदर से इतना दुखी क्यों हूँ। ओ बेल फॉर द सेलर लैड, ओ बेल, अरे कितना अच्छा है, किसके लिए, फॉर के लिए, सेलर्स लैड, जो सेलर है ना, नाविक, नाविक के लड़के लिए सब कितना अच्छा है। दैट ही सिंग्स, ही वह सिंग्स, गाता है, इन हिज बोट, अपनी नाव में, ऑन द बे, बे होती है खाड़ी, तो जैसे बंगाल की खाड़ी, तो वहाँ नदी समुद्र बह रहा है, तो एक खाड़ी में उसकी क्या चल रही है, एक नाव चल रही है, तो उसमें वो मस्त क्या कर रहा है, ही सिंग्स, वह गाता है, देखो इसे हटा के गाते हैं, ठीक है, यहाँ से हमारी ये स्टार्ट हुई है लाइन। तो ओ बेल फॉर द सेलर्स लैड, उस सेलर के लैड के लिए ये सब कितना अच्छा है,
क्या सब कितना अच्छा है, ये प्रकृति की ब्यूटीफुल थिंग्स, समुद्र का किनारा इसे खुश कर रहा है मतलब। और वो क्या कर रहा है, खुश होकर ही सिंग्स व गाता है इन हिज बोट, अपनी बोट में ऑन द वे देख लेक। और क्या हो रहा है देखो, एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। एंड और स्टेटली शिप्स, स्टेटली का मतलब है यहाँ पर भव्य, सुंदर, शानदार। शिप मीन्स जहाज, गो ऑन जाते हैं ठीक है। और सुंदर भव्य जो जहाज हैं वो जा रहे हैं किसमें, समुद्र में। कहाँ जा रहे हैं, टू देयर हेवन, हेवन का मतलब है हार्बर, जो बंदरगाह होता है। कहाँ जाते हैं शिप, बंदरगाह, अंडर द हिल। और बड़े बड़े, यहाँ से फिर से देखेंगे लाइन, बड़े बड़े स्टेटली शिप्स, बड़े बड़े भव्य सुंदर शानदार जहाज गो ऑन जाते हैं। कहाँ जाते हैं, टू देयर हेवन अंडर द हिल, हिल के नीचे अपने हार्बर में, अपने बंदरगाह को जा रहे हैं। मतलब वो सब ये यहाँ की एक्टिविटीज़ को, गतिविधियों को, प्रकृति की ब्यूटी को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन देख रहे हैं। तो अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि मतलब ये सब लोग तो बहुत खुश हैं, फिशरमैन का बॉय बहुत खुश है, बोटमैन लैड बहुत खुश है, और ये समुद्र की लहरें बहुत खुश हैं, वो भी उठती हैं, गिरती हैं, और उठ करके स्टोन्स पर टकरा रही हैं और टकरा करके बहुत टूट जाती हैं। लेकिन बट, लेकिन ओ फॉर द टच ऑफ ए बैनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ वॉइस दैट इज स्टिल। बट, लेकिन ओ, अरे फॉर द टच, टच के लिए, स्पर्श के लिए, और मैं क्या चाहता हूँ, कास, ओ का मतलब है वही एक्सक्लेमेटरी वर्ड, कास में ओ का सेंस है कास से, फॉर द टच क्या हो पाता, मैं टच कर पाता, स्पर्श कर पाता, किसको, ऑफ ए बैनिस्ड हैंड, किसके, बैनिस्ड मीन्स होता है खाली और हैंड मीन्स हाथ, उन खाली, मतलब बैनिस्ड मीन्स वैसे खाली नहीं कहेंगे, या गायब होने से है ठीक है, बैनिस्ड मीन्स गायब होना, उन गायब हाथों को मैं स्पर्श करना चाहता हूँ। और गायब का मतलब आर्थर हेलन मर गए हैं, मर गए तो चले गए, चले गए तो मतलब बैनिस्ड शब्द यूज़ किया है यहाँ पर पोइट ने, तो उन बैनिस्ड हैंड को मैं टच करना चाहता हूँ, मतलब काश मैं उनको टच कर लेता, ये सब मुझे दिखाई दे रहा है लेकिन मैं काश अपने मित्र के बैनिस्ड हैंड को टच कर पाता। क्योंकि आपने देखा होगा एक मित्र दूसरे मित्र का, जब वो वास्तव में हार्डली जुड़े होते हैं एक दूसरे से, तब जो एक दूसरे से बात करते हैं तो हाथ में हाथ यूं करके पकड़ करके बात करते हैं, टच करते हैं उसकी सांत्वना के लिए। तो अब वो कह रहा है एंड द साउंड ऑफ द वॉइस दैट इज स्टिल, और उस साउंड को मैं सुन पाता, द वॉइस आवाज़, जो उसकी आवाज़ थी, उसकी धुन को, ध्वनि को, साउंड को, दैट इज स्टिल, जो क्या हो गई है, शांत हो गई है, जो शांत है, वह आवाज़ जो मैं क्या कर पाता, सुन पाता, जो अब क्या हो गई है, शांत हो गई है। कौन सी आवाज़, आर्थर हेलम की आवाज़, जो अब मर चुके हैं। अब लास्ट में फिर लहरों को, समुद्र की लहरों को पोइट संबोधित करते हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूट कर बिखर जाओ, टूट कर बिखर जाओ, ओ सी, अरे समुद्र, या कह लो टूट कर, तोड़ कर बिखेर दो, तोड़ कर बिखेर दो, ओ सी, अरे समुद्र, एट द फुट ऑफ दाई क्रैक्स, क्रैक्स होती हैं चट्टाने, दाई मीन्स अपनी, फुट मीन्स पैर, अरे चट्टानों के पैरों पर अपनी लहरों को टकरा कर तोड़ दो समुद्र। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज दैड विल नेवर कम बैक टू मी। बट, लेकिन टेंडर ग्रेस, एक शानदार आभा, टेंडर मीन्स सुंदर, मुलायम, ग्रेस या भव्य कह लीजिए, ग्रेस आभा ऑफ डे, दिन की, दैट इज डैड, जो क्या हो गई है, डैड हो गई है, विल नेवर कम बैक टू मी,
जो मेरे पास विल नेवर कम, कभी वापस नहीं आएगी टू मी, मेरे पास। अब ऐसा लगता है दिन की आभा जो होती है, खुशी जो होती है, सौम्य ग्रेस जो है वो ख़त्म हो गई है हमेशा के लिए, इज डेड, डेड हो गई है, मतलब उसका मित्र मर गया है। तो वो हमेशा ऐसा लगता है कि मैं कभी खुश नहीं रह पाऊँगा। तो विल नेवर कम टू मी, मेरे पास अब कभी वापस नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी? टेंडर ग्रेस, जो पहले हुआ करती थी जब आर्थर हैलम जीवित थे। तो इस प्रकार ये हमारी छोटी सी पोइम कंप्लीट हो जाती है। कौन सी? ब्रेक ब्रेक ब्रेक। और आप पोइम को पढ़ने के बाद तुरंत उसको, उसके ऑप्शनल, आपके पास कोई मॉडल पेपर हो, कोई बुक हो, उसमें उसके ऑप्शनल को फाइंड आउट किया करें, ताकि आपका, आप जान पाएँ कि ये पोएम हमको समझ में आई है या नहीं है। चलो हम एक मैराथन क्लास डालते हैं आपकी सारी पोएम्स की, ऑप्शनल की, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे नेक्स्ट पोएम के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।